नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास विद्यालंकार और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का विषय है कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना है। इस विधि के द्वारा सूचना प्रवाह को गत्यात्मक रूप दिया जाता है और शिक्षण प्रणाली को अधिक वैज्ञानिकता पूर्वक करने पर बल दिया जाता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि से ऑडियो वीडियो टेप की प्रस्तुति परंपरागत पुस्तक की तुलना में ज्यादा प्रभाव उत्पादक और शीघ्र पहुंच वाली होती है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि में सही जानकारी प्राप्त करने के अधिक विकल्प होते हैं और शिक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त करने की स्थिति भी बनी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि के गुणों की। इस शिक्षण विधि में अन्य विधियों की तुलना में अधिक लचीलापन और नियंत्रण की बेहतर संभावना होती है। इस विधि को अनुकरण अभ्यास मॉडलिंग इत्यादि कार्यों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें सूचना प्रवाह की गतिशीलता और पाठ्य सामग्री की पर्याप्तता की दशा विद्यमान रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि के दोषों की। शिक्षण की यह प्रणाली अव्यक्तिक और महंगी है जो सभी की पहुंच की सीमा में नहीं है। इस विधि से शिक्षण प्रणाली के लिए सुव्यवस्थित संरचना का होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा प्रणाली विफल हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें जरूर लिखना और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि इस विषय की पीडीएफ फॉर्मेट में जानकारी आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।